बेटा गुड मॉर्निंग, बेटा गुड मॉर्निंग, ठीक हैं बेटा सब बच्चे? चलिए फटाफट से आज क्या करेंगे, चैप्टर नया शुरू करेंगे यहां पर, एंड दैट इज डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। अच्छा, सबने क्लास 11th में थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रखा होगा। चलिए यहीं पर हम क्या करने वाले हैं, ऑब्वियस सी बात है, एडवांस टॉपिक भी करेंगे, नए कॉन्सेप्ट भी करेंगे जो आपने क्लास 11th या 12th में नहीं किए थे, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोबारा 12 से 16 नंबर तक का क्वेश्चन 80% चांसेस हैं कि एग्जाम में मिलेगा। जब मैं 80% लिख रहा हूं तो उसका मतलब क्या है, हर 5 अटेम्प्ट जब होंगे बैक टू बैक तो 5 में से एक आध बार ही शायद ना आए, 4 बार एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। और वेटेज बता दी, बड़ा क्वेश्चन आएगा 12 से 16 नंबर का। जितने चैप्टर्स हमने अभी तक कर लिए उसके बेसिस पर 50 नंबर का पेपर आपका अब कवर हो जाएगा। ये डेप्रिसिएशन चैप्टर करते ही 50 नंबर का पेपर आपका अकाउंट्स का कवर हो जाएगा। इसके बाद चैप्टर्स सारे बड़े बड़े हैं, चैप्टर्स सारे बड़े बड़े हैं, लेकिन वेटेज फिर वही है 10 12 15 नंबर के हिसाब से, लेकिन टाइम बहुत लगेगा हमारे को उन चैप्टर्स को कवर करने में। तो मोटा माटी आप ऐसा मानिए कि बड़े चैप्टर शुरू होने से पहले का ये आखिरी ही चैप्टर मान सकते हैं जिसमें 4 5 6 क्लास में टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। और बेटा ये बात तो सबको पता ही है बेटा, बहुत ही बेटा बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें करने के लिए। बस इतनी सी बात रहेगी कि हम ये जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एज पर AS 10। AS 10 कौन सा है बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 कौन सा है? इसका नाम है बेटा प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, जिसको प्यार से हम क्या बुलाते हैं, PPE भी बुलाएंगे। तो इस चैप्टर में जितने प्रोविजंस हम कवर करेंगे, जो रूल मैं आपको सिखाऊंगा, वो कहीं ना कहीं AS 10 में लिखे हुए हैं। थोड़ा इसकी और बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक करते हैं। देखिए पहले होता क्या था, पहले था मेरे पास एक AS 6, नाम क्या था इसका, डेप्रिसिएशन। एक होता था AS 10, नाम क्या था इसका, इसका नाम था फिक्स्ड एसेट, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट। तो हुआ क्या, यहां पर तो हम एसेट के ऊपर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो मुझे डेप्रिसिएशन सिखाता था कि आप अलग अलग परिस्थिति में डेप्रिसिएशन कैसे लगाओगे, क्यों लगाओगे, क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, और ये AS सिखाया करता था क्या, बोलो, फिक्स्ड एसेट की बात, कि भाई फिक्स्ड एसेट की अकाउंटिंग कैसे करेंगे, खरीदा तो क्या करेंगे, बेचा तो क्या करेंगे, फिक्स्ड एसेट कहते किसे हैं, रीवैल्यूएशन किया तो कैसे काम करेंगे, एंड सो ऑन। फिर बाद में क्या हुआ, कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटेंजिबल एसेट का। पहले एक समय में इंटेंजिबल एसेट बहुत इंपॉर्टेंट एसेट नहीं मानते थे, लेकिन समय के साथ साथ चीजें चेंज होती गई, इनटेंजिबल एसेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। जब फिक्स्ड एसेट की बात करते थे तो उसी में इनटेंजिबल एसेट की बात भी कर लिया करते थे, लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने कहा नहीं भाई नहीं, ये गुडविल। अच्छा इनटेंजिबल एसेट क्या होती है, नहीं जैसे नहीं पूछा मैंने, एग्जाम्पल नहीं पूछा, होती क्या है, जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट कैन बी परचेज्ड एंड सोल्ड इन द मार्केट, मार्केट में खरीदार भी मिलेंगे और बिक भी जाएगी, जैसे मेरी गुडविल, बोलो बेटा। yes,
जैसे मैंने कोई सॉफ्टवेयर बना लिया, सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ये सारी क्या हैं? इंटेंजिबल एसेट। जब ये बहुत महत्वपूर्ण हो गई और उसका स्कोप बढ़ता चला गया तो जानते हो क्या किया इंस्टीट्यूट ने? अच्छा, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना हमारे लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरे लिए तो फिर भी थोड़ा कम है फाउंडेशन लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर 20-25 नंबर का कंपल्सरी क्वेश्चन मिलेंगे। और नहीं, सॉरी, गलत बोल रहा हूं मैं, सॉरी, सीए इंटरमीडिएट लेवल पर अगर हम बात करें तो एक समय पर पुराने कोर्स में, आज से एक साल पहले तक की बात करें, तो 20-21 नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी आता था, बाकी चैप्टर्स थे। बट नए सिलेबस में जो अब लागू हो चुका है, दो अटेम्प्ट भी हो चुके हैं उसके, दो बार से लागू हो गया है, सीए इंटरमीडिएट के सारे चैप्टर्स ही ऑलमोस्ट खत्म कर दिए इंस्टीट्यूट ने। वहां पर सिर्फ और सिर्फ अब क्या रह गया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लगभग 70-80 नंबर का पेपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही आता है। एंड सेम इज द केस विद फाइनल। सीए फाइनल में इस पेपर का नाम जानते हैं क्या है? एफआर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। वहां तो नाम ही अकाउंट हटा दिया उन्होंने बहुत पहले। वहां तो सीए फाइनल में तो बहुत पहले से ही 70-80 नंबर का पेपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ही आता था। बहुत पहले से, बहुत पहले, कभी 12-15 नंबर क्वेश्चन आया करते थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के। मेरा पहला जो पेपर था वो पहला पेपर था 2003 में का, फाइनल का, जिसमें उन्होंने ड्रेस्टिकली कोर्स चेंज हुआ था। मेरा पहला अटेम्प्ट था नए कोर्स से, 2003 में की बात कर रहा हूं मैं। और उस टाइम पर इंस्टीट्यूट ने पूरे पेपर में 60 नंबर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछे थे। फिर धीरे धीरे बढ़ते गए और वो अब जाकर 80 नंबर तक की वेटेज है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। यानी सिलेबस में कुछ है ही नहीं। जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं ना, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फलाना ढिकाना, कोई चैप्टर नहीं है वहां। एएस ही शुरुआत कर देंगे, उन्हीं पर केस स्टडी आएंगी, उन्हीं के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, उन्हीं के ऊपर डिसीजन मेकिंग। खैर, कमिंग बैक, तो मैं इसलिए बता रहा हूं सब चीज काम ही आएंगी, ये यही पढ़ना है आपको आगे जाकर। तो हुआ क्या, इस फिक्स्ड एसेट में क्योंकि इंटेंजिबल एसेट का वेट ज्यादा बढ़ गया, लोगों ने ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन मांगी उसके बारे में। बोलो भाई, सारी चीज तो यहां ना लिख पाएंगे। इंस्टीट्यूट ने जानते हो क्या किया? एक नया एएस लेकर आए। कौन सा एएस? 26। नाम क्या था इसका? इंटेंजिबल एसेट। और इसमें से जो जो पैराग्राफ इंटेंजिबल एसेट के थे वो विड्रॉ कर लिए और नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिया एएस 26। ये तो पुरानी बात हो गई। अब रिसेंटली क्या हुआ और कुछ साल पहले? बोला यार बड़ी प्रॉब्लम है ये, कुछ बातें यहां लिखी हैं फिर उसने यहां कहा है, इससे पूछो तो कहता है एएस 6 में जाकर देख लो, इससे पूछो फिक्स एसेट क्या करूं तो ये कहता है एएस 10 से पूछ लो, मैं तो डेप की बात करूंगा। जबकि दोनों इंटर रिलेटेड चीज है कि नहीं है? तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, ये एएस विड्रॉ कर लिया। यानी अब एएस 6 नाम की कोई चीज है ही नहीं। मैं ये क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं, जब कोई बुक पढ़े कोई या नोट्स वगैरह भी कहीं हो तो गलती से उसमें हो सकता है AS 6 लिखा मिल जाए, तो ऑटोमेटिकली आप उसे क्या पढ़ेंगे? AS 10 पढ़ेंगे। किस नाम से पढ़ेंगे? नहीं, प्लांट और AS 10 का भी क्या किया, नाम रिवाइज कर दिया। इसको रखा AS 10 रिवाइज्ड और नाम क्या रख दिया इसका? बोलो बेटा, नाम क्या रख दिया होगा? नाम रख दिया प्लांट प्रॉपर्टी एंड। तो मैंने पूछा जी आपने AS 6 विड्रॉ कर दिया, अब ये चीज कहां पढ़ेंगे? बोला ये जो अब नया AS पढ़ने वाले हो, ये जानते हो बना कैसे है? ये AS 6 और AS 10 फिक्स्ड एसेट के ही ये सारे प्रोविजंस इसमें हैं, कोई चेंज नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत फेर बदल हमें करना था तो हमने कर दिया। ये सारी पुरानी हिस्ट्री है, इससे कोई मतलब नहीं है आपका, इससे कोई लेना देना नहीं है। हम प्योरली अब क्या पढ़ने वाले हैं? बोलो, AS 10 पढ़ेंगे। नाम क्या है उसका? प्लांट प्रॉपर्टी एंड। कई बार हो सकता है मेरे मुंह से गलती से AS 6 निकल जाए या AS 10 फिक्स्ड एसेट निकल जाए, तो वो गलती से निकला है।
क्योंकि पुरानी मेरी भी यादें जुड़ी हुई हैं 20 साल 25 साल की, तो इसलिए गलती से निकलना लाजमी हो सकता है। लेकिन आपके लिए हमेशा AS6 और AS10 नाम की अब इस तरीके की कोई चीज नहीं है, सिर्फ कौन सा है, AS10 प्लांट प्रॉपर्टी एंड। तो मैं जगह जगह इसका रेफरेंस लेता रहूंगा इस चैप्टर के दौरान। क्लियर है बात के नहीं है? ठीक, जितने भी रूल्स वगैरह पढ़ाऊंगा मैं आपको, वो एज पर AS10 ही हम कवर करेंगे। चलो बेटा, तो वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक क्या है हमारा? डेप्रिसिएशन। अच्छा जरा बताओ मुझे डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? हाँ जी, डेप्रिसिएशन का बस ऐसी बात ही करेंगे आज, मैं कुछ शुरू नहीं करूंगा आज, एक सवा घंटा मुझे ऐसी बात करने में लग जाएगा। बस बताइए डेप्रिसिएशन का मतलब क्या? डिक्रीज इन द वैल्यू, किताब पढ़ के मत बोलना, ऐसी बताओ, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। अच्छा ये फिक्स्ड एसेट क्या होती है? नहीं, एग्जाम्पल क्यों बोलते हो भाई? फिक्स्ड एसेट क्या होती है? विच आर नॉट मेंट फॉर रीसेल। याद आया, इन्वेंट्री में बताया था, विच आर नॉट मेंट फॉर रीसेल। तो भाई क्यों रखी हुई है? टू प्रोवाइड सर्विसेज और विच कैन बी यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। जैसे ये फर्नीचर यहां पड़ा हुआ है, एग्जाम्पल बता चुका हूं पहले, ये मेरे लिए फिक्स्ड एसेट है। अच्छा ये फिक्स्ड एसेट का बड़ा मतलब बच्चे गलत समझ लेते हैं, वो जो फिक्स्ड है जिसे हिला नहीं सकते, ऐसा नहीं होता। ये फर्नीचर पड़ा हुआ है यहां पर, मूवेबल है वैसे, ये वो अलग चीज होती है, मूवेबल इमूवेबल। ये फिक्स्ड एसेट है या नहीं है? है हाँ। दिस इज नॉट मेंट फॉर रीसेल। आप मेरे पास आओ, सर चेयर ये बेंच कितने में ली? मैंने कहा 1000 रुपए की। सर 1200 में बेच दो? मैंने कहा कहीं और से जाओ, मैं एड्रेस दे रहा हूं, वहां से लाया हूं, वहीं से ले लो आप, मेरे पास बेचने के लिए नहीं है ये। सर क्यों लिए फिर आपने? अरे भाई स्टूडेंट्स आएंगे, बैठेंगे आराम से, रिलैक्स होकर पढ़ेंगे, मैंने इसलिए लिए हैं कि मैं इनको यूज करके सर्विसेज प्रोवाइड कर पाऊं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नॉट मेंट फॉर रीसेल, नॉट मेंट फॉर रीसेल। तो क्यों रखी है? इनको यूज करके या तो सर्विसेज दे पाऊं या प्रोडक्शन कर पाए। मशीनरी हुई मेरी, बिल्डिंग हुई मेरी, क्यों खरीदी है? कि भाई इसको यूज करके बिल्डिंग को हम यहां वेयर हाउस बनाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, प्रोडक्शन कर पाएंगे। बेटा क्लियर है? द सेम एसेट, पुरानी बात बता रहा हूं, द सेम एसेट कैन बी फिक्स्ड एसेट फॉर वन एंटरप्राइज एंड इन्वेंट्री फॉर अनदर एंटरप्राइज। समझ में आया क्या कहा मैंने? क्या कहा? ये फर्नीचर मेरे लिए क्या है? क्लियरली अ फिक्स्ड एसेट। लेकिन मुझसे पहले फर्नीचर किसके पास था? फर्नीचर मर्चेंट के पास, दुकानदार के पास, जिसका काम ही फर्नीचर खरीदना बेचना था। उसके लिए फर्नीचर क्या था? इन्वेंट्री। जब वो अपनी बैलेंस शीट में दिखाएगा तो वैल्यूएशन कैसे करेगा? एज पर AS2। बोलो बेटा, एज पर AS2 करेगा। और जब मैं करूंगा तो मैं कैसे करूंगा? एज पर AS10 करूंगा। क्लियर है बात? चलो फिक्स एसेट की बात हो गई, तो वापिस आए डेप्रिसिएशन पर। What is depreciation? आपने कहा depreciation is the decrease in the value of asset. Fixed asset की value में जो decrease हो जाएगा, inventory पर डेप लगता है क्या? Inventory पर डेप लगता है क्या? अरे भाई inventory पर डेप थोड़ा ना लगता है, current asset है वो, स्टॉक है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री पर डेप नहीं लगता। बोलो बेटा, उसका वैल्यूएशन तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पर कर देते हैं, विच इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, AS2 में बताया था। वापिस ऑल आउट कर, वापिस आइए। तो जी आपने कहा डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। डिक्रीज क्यों होगा भाई? किसी भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में आप कह रहे हैं डिक्रीज हो गया, क्यों होगा भाई? घिसावट के वजह से, यूसेज के वजह से। बिल्कुल ठीक बात है। सर मैंने एक मशीनरी खरीदी, अब सर वो मशीनरी देखो साल दर साल उसमें घिसावट आती जा रही है,
वो मशीनरी में घिसावट आती जा रही है, वो मशीनरी की एफिशिएंसी कम हो रही है, तो इसलिए उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो उस वैल्यू को कम कितनी हुई नापने का एक तरीका है जिसका नाम क्या है, डेप्रिसिएशन। अच्छा, अगर वैल्यू कम ना हो आपने कहा वैल्यू कम हो रही है इसलिए डेप्रिसिएशन लगा दिया, और वैल्यू कम क्यों हो रही है, घिसावट के वजह से, यूसेज के वजह से। जरा सोचकर बताओ, सोचकर बताइए, मैंने क्या किया, मैंने एक कार परचेज की। अब जब मैंने कार परचेज कर ली, ये देखो बेटा ये रही मेरी कार, ये लो बेटा, ये कार एक परचेज की मैंने, और भाई साहब नई नई कार थी बिल्कुल, 10 लाख रुपए की कार ये परचेज की मैंने, और पूरे साल, अब क्या ही बताऊं आपको, आपसे क्या छुपाना, आपसे घर की बात है। मेरे पास पुरानी कार भी थी, मैं उसी से आया जाया करता था, इस नई कार से कुछ ज्यादा लगाव था, सुबह शाम साफ करवाया, कपड़ा लगवाया, चलाया बिल्कुल भी नहीं, और पूरे साल में क्या ही बताऊं आपको, 100-200 किलोमीटर चल गई हो तो चल गई हो। यानी पूरे साल में इस कार में कोई घिसावट नहीं है। थोड़ी बहुत मान सकते हैं, 10 लाख रुपए, पन्नी भी नहीं उतारी सीट पर से अभी तक मैंने, और तो बात छोड़ो। तो बताओ मुझे साल के अंत पर इस कार के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओगे या नहीं लगाओगे? लगाएंगे, क्यों लगाएंगे भाई? आपने ही तो कहा सर जब वैल्यू कम हो जाए घिसावट के वजह से, वियर एंड टियर के वजह से, यूसेज के वजह, आपने ही कहा एक ही बात है, घिसावट यूसेज वियर एंड टियर एक ही बात है। सर जब वैल्यू कम हो जाएगी तो इसलिए हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, वैल्यू कम करने के नापने का तरीका डेप्रिसिएशन। लेकिन ये जो एग्जांपल मैंने आपको बताया इसमें घिसावट तो है ही नहीं, लेकिन टाइम तो बीत रहा है। डेप्रिसिएशन एक और वजह से भी लगता है, एसेट की वैल्यू एक चीज एक कारण के वजह से और कम होती है, एंड दैट इज पैसेज ऑफ टाइम। आप कार बेचने जाओगे साल के अंत पर तो जानते हो क्या होगा, छूटते ही पहले खरीदार, एजेंट, ब्रोकर, डीलर क्या पूछेगा, कौन से मॉडल की है? मैंने कहा 2003 की है, 2003 24 के अंत पर आने वाले हैं हम, ये तो एक साल पुरानी। मैंने कहा भाई साहब सुन तो लो पूरी बात, चकाचक है, सुबह शाम कपड़ा मारता हूं, खुद नहाऊं या ना नहाऊं गाड़ी को जरूर निलाता हूं, और पन्नी भी नहीं उतरी है उसकी अभी तक। बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, एक साल हो गया है, मॉडल पुराना होता है कि नहीं होता है? आप 2000 ईयर एंड पर जाओ कार खरीदने दिसंबर में, सेम कार आपको जो मान लेते हैं 2003 दिसंबर में मैंने किया ली थी गाड़ी, ये तो जानते हो क्या हुआ, वो जो किया थी नॉर्मल प्राइस से 45,000 रुपए सस्ती मिली। जानते हैं क्यों? बताओ क्यों मिली? अभी 10 दिन बाद ही 2024 आने वाला है, और 24 आते ही ये कार कौन सी हो जाएगी, 23 मॉडल हो जाएगी। बोलो बेटा, बेशक दिसंबर हो और आप जनवरी में खड़े हो, मॉडल पुराना हो गया, इमीडिएटली उसकी वैल्यू घट गई, तो डेप्रिसिएशन तो लगेगा भाई। घिसावट इज नॉट द ओनली रीजन, आई होप ठीक है बात, घिसावट इज नॉट द ओनली रीजन, एक रीजन और तैयार हो गया, कौन सा, टाइम का बीतना। तो डेप्रिसिएशन इज द मेजर ऑफ फॉल इन द वैल्यू ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट ड्यू टू यूसेज वियर एंड टियर या ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम। ओहो,
यानी यूज ना करो और टाइम भी बीत जाए तो भी डेप्रिसिएशन लग जाएगा। अच्छा, अब समझ में आया। मैंने क्या किया, एक और एग्जांपल सुन लीजिए। मैंने क्या किया, एक मोबाइल फोन खरीदा, एक सेल फोन खरीदा, मेरे पास ऑलरेडी वैसे था एक, मैंने कहा चलो एक और ले लेते हैं, और मैंने मोबाइल फोन लिया। मेरे को कुछ कम समझ में आया, पैसे बहुत लग गए उसमें लेकिन कुछ मुझे मजे नहीं आए, बहुत हैवी भी था, बड़ा भी था, और मुझे थोड़ा हैंडी चाहिए, गिर गिर जाए कोई दिक्कत नहीं है, मैं ज्यादा टेंशन ले नहीं सकता मोबाइल फोन को लेकर। खैर, जिद करके बच्चों ने ले कहा कि जी ले लो ले लो, मैंने ले भी लिया, और वो S23 जो आया हमारे मेरा, वो आया 1,40,000 रुपए का। अब आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूं आपको, ये जो मोबाइल फोन परचेज किया, मैंने कहा नहीं भैया नहीं नहीं जम रहा, मेरे को नहीं जमन वाली बात, मैं यूज नहीं कर पाऊंगा इसको। बड़ा कोशिश कर लिया, सारा डेटा ट्रांसफर, डेटा इतना सारा है बेहिसाब, वो ट्रांसफर करो आधी फाइल्स गायब हो जाती हैं, फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है भाई, इतने नोट्स पड़े हैं, इतनी चीजें पड़ी हैं, स्टूडेंट्स का डेटा पड़ा हुआ है, सीए का डेटा पड़ा हुआ है, बड़ा मुश्किल है। चलो घर, मैंने कहा छोड़ो भाई मैं मुझे नहीं, दो महीने बाद ही आई हैव डिसाइडेड कि भाई इसे बेच देंगे। मैं वापस गया, बोला सर कैसे आना हुआ? मैंने कहा सर भाई वो फोन लिया था S24 करके था। बोला हाँ सर बढ़िया फोन चल रहा होगा, अब तो S24 प्रो आ गया, बल्कि दो दिन बाद ही S24 प्रो मैक्स आने वाला है। और मैंने कहा आने वाला होगा ठीक है, मुझे ये बेचना है। देखो सब ऐसे ही, बिल्कुल ऊपर से वो कवर भी नहीं उतारा मैंने, इसकी पन्नी जो होती है उसकी वो भी नहीं उतारी, ऐसे बिल्कुल चकाचक नया रखा हुआ है। कितने में ले लोगे? बोला सर आप क्या चाह रहे हो? मैंने कहा चाहना क्या, 1,40,000 का फोन था, 2,000 रुपए काट लो। 1,48,000, अभी मैंने डेटा भी ट्रांसफर नहीं किया इसमें, और तो बात छोड़ो, 1,48,000 दिलवा दो। बोला सर दिमाग खराब हो गया, क्या करते हो आप? मैंने कहा पढ़ाता हूँ बच्चों को। तो कैसे पढ़ाते हो और कैसे बच्चे पास होते हैं? आपको क्या आपने AS10 नहीं पढ़ा हुआ? मैंने कहा क्या लिखा है, वो समझा रहा है मुझे, आपने AS10 नहीं पढ़ा? मैंने कहा क्यों क्या हुआ? मैंने कहा उसमें लिखा हुआ है कि भाई डेप्रिसिएशन वैल्यू गिर जाएगी अगर अगर वियर एंड टियर हो। है ही नहीं, डिब्बा भी साथ लाया हूं मैं तो, है ही नहीं वियर एंड टियर। उसमें लिखा हुआ है अगर पैसेज ऑफ टाइम हो, बीता ही नहीं, अभी तो लिया, अभी याद नहीं, अभी आया था 1.5 महीने पहले, तभी तो लिया मैंने आपसे, तो यानी पैसेज ऑफ टाइम भी नहीं है। जब दो चीज है ही नहीं तो वैल्यू गिरी नहीं। बोलो बेटा, जानते हो दुकानदार ने क्या कहा? बोला जाओ दोबारा से AS10 पूरा पढ़ के आओ, एक पॉइंट आपने छोड़ दिया। मैंने कहा है कौन सा छोड़ दिया? उसने बेटा फटाफट से AS10 गूगल पर खोल के दिखाया। बोलो सर एक चीज और भी है इसमें, वो है चेंज इन टेक्नोलॉजी। मैंने कहा मतलब? दुकानदार समझा रहा है मुझे, आप समझ रहे हो, भाव देख रहे हो। बोला सर एसेट की वैल्यू एक कारण से और कम हो जाती है, और वो है अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए। सबको मालूम है भाई, अब ये 1,40,000 का फोन आप विश्वास नहीं करोगे, 80,000-90,000 में कोई लेने को तैयार नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो एक सैमसंग का फोल्ड आया था, है ना, वो फोल्ड आया था फोन, वो फोल्ड लेने के 3 महीने बाद ही मैंने बेचने का अगर प्रयास किया तो कोई वैल्यू थी नहीं। 1,35,000 के आसपास का फोन 70-80,000 में देने को तैयार था नहीं। खूब मना किया था मैंने घर में, घर वाली को, मन ही मन में, वैसे तो बोल नहीं सकते, बोला जी बहुत भारी है, उठता नहीं है, गिर जाता है। मैंने पहले ही कहा था बेकार की चीजें हैं ये, कुछ नहीं है इन सब, ये सब बेकार, बिल्कुल फर्जी फोन, बिल्कुल ही फर्जी फोन है, और बेचने निकल जाओ उसे तो क्या हुआ उसमें, क्या उसमें इतनी घिसावट आ गई थी? आंसर इज नो। टेक्नोलॉजी रोज चेंज हो रही है भाई, टेक्नोलॉजी रोज चेंज हो रही है, तो जिसके वजह से एसेट की वैल्यू गिर गई, इस बार यूसेज और पैसेज ऑफ टाइम इज नॉट द रीजन। तो यानी अब मेरे पास पूरी डेफिनेशन तैयार हो गई डेप्रिसिएशन की। बताओ क्या, डेप्रिसिएशन इज द मेजर, किसको नापने का तरीका है? बैठ जाओ बेटा, लोरी थोड़ा सुना रहा हूं मैं यहां पर। डेप्रिसिएशन इज द मेजर ऑफ फॉल
इन द वैल्यू ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम एंड चेंज इन टेक्नोलॉजी। बेटा क्लियर है बात? ये था डेप्रिसिएशन, ये था हमारे पास डेप्रिसिएशन। तो जो वैल्यू गिरने वाली है उसका, उसकी हम बात करने वाले हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर वैल्यू गिरे ही ना, गिरे ही ना, मैं बता रहा हूं आपको भाई, मैंने एक फोन लिया, कुछ और ले लेते हैं इस बार, फोन बहुत सारे ले लिए, क्या लिया मैंने बताओ, कुछ भी एसेट परचेज किया मैंने, मैंने बिल्डिंग परचेज की एक। अब जब बिल्डिंग परचेज की तो भाई बिल्डिंग इज अ डेप्रिशिएबल एसेट, मैंने बिल्डिंग परचेज की एक और उस बिल्डिंग की वैल्यू थी मान लेते हैं 1.2 सीआर। अब ये बिल्डिंग 1.2 सीआर की जो थी, साल के अंत पर जाते जाते मेरी किताबों में 12 लाख का 10% का मान लेते हैं डेप्रिसिएशन लग गया, 12 लाख का डेप्रिसिएशन लग गया। अब ये बची मेरी किताबों में 1.028 की डेप लगा रहे हैं हर साल। लेकिन भाई साहब क्या बताऊं, मैं तो आंखें खुली की खुली जा गई। मैंने पूछा मार्केट में भाव डीलर से, मैंने भाई बेचने का मन बन रहा है, हाँ सर बोलो 1.5 सीआर मुझसे अभी ले लो। रोड इतनी चौड़ी हो गई है यहां पर, सरकार ने नाला बंद कर दिया है और रोड इतनी चौड़ी कर दी है, इसके रेट बहुत बढ़ गए। 1.5 सीआर, 1.2 सीआर की ली थी जो मैंने एक साल पहले, एक साल भी नहीं हुआ वो 1.5 सीआर की हो गई। मुझे बताओ, मैंने अकाउंटेंट को फोन किया, मैंने कहा अकाउंटेंट जी मुंशी जी रुक जाओ डेप मत लगाना। बोला सर क्या हो गया, मैंने कहा नाला पूरा कवर कर दिया, रोड बड़ी हो गई, इसके तो वैल्यू बढ़ गई, बताओ बेटा ठीक किया मैंने, डेप लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोलो भाई लगेगा। हैं? अब क्यों लगेगा, अब क्यों लगेगा? डेप्रिसिएशन विल हैव टू बी प्रोवाइडेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट वैल्यू। मुझे बताओ ये बिल्डिंग क्या मैंने बेचने के लिए ली थी? बोलो बेटा, ये फिक्स्ड एसेट है मेरी, तो भाई मैंने तो इसलिए ली थी, मैंने तो इसलिए ली थी ये बिल्डिंग कि कल को वहां पर इंस्टीट्यूट खोल दूंगा, एक नया सेंटर खोल दूंगा, कोई और फ्रेंचाइजी ले लेंगे, कुछ और काम कर लेंगे, बिजनेस के लिए लिया था, दैट इज नॉट मेंट फॉर रीसेल। और जब रीसेल के लिए है ही नहीं तो उसके मार्केट में क्या भाव चल रहा है इससे फर्क नहीं पड़ेगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि मार्केट में उसका भाव क्या चल रहा है। डेप्रिसिएशन विल हैव टू बी प्रोवाइडेड। आई होप ठीक है बात ये? ये बिल्डिंग, ये जो फ्लोर है ये मैंने परचेज किया हुआ है, किसी समय में पार्ट्स में परचेज किया था, पहले ये वाली शॉप, फिर ये वाली शॉप, फिर ये वाली शॉप, काम बढ़ता गया, परचेज करते गए, पूरा फ्लोर मेरे पास है। और इसकी कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट जो हमने शायद पे की थी आज से 10, 12, 15, 20 साल पहले किश्तों में पे की थी जो, वो लगभग एक्चुअल कॉस्ट 40 लाख रुपए के आसपास थी। नहीं, वो 40 लाख रुपए के लिए लोन लिया था उस टाइम किश्तों में, 10-10, 12-12 लाख की दुकानें थी तो लोन ले लेकर किश्तें भरी थी उसकी। खैर कमिंग बैक, 40 लाख की थी और तब से लेकर आज तक इस पर साल दर साल डेप्रिसिएशन लगता जा रहा है। मेरी किताबों में मैं इस बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं। और जानते हो मेरी बुक्स में, मेरी जो बैलेंस शीट बनती है इंस्टीट्यूट की, उसमें इसकी वैल्यू कितनी है? लगभग 12-15 लाख रुपए है बस। इस पूरे फ्लोर की वैल्यू डेप लगकर 12-15 लाख के आसपास है आज की तारीख में। आप समझ रहे हो, मैंने डेप लगाया, अगर इसका मार्केट में भाव देखूंगा तो कुछ अलग ही लेवल का भाव पहुंच चुका है, कुछ अलग ही लेवल का भाव है। लेकिन मैं उस भाव को कंसीडर कर क्यों नहीं रहा? बोलो भाई, उसका रीजन है दिस इज नॉट मेंट फॉर रीसेल। जब ये फिक्स्ड एसेट की पहली कंडीशन ही है, अरे बोलो, फिक्स्ड एसेट पर ही डेप लगाओगे और फिक्स्ड एसेट की पहली शर्त क्या है? Not meant for resale। जब बेचने के लिए है ही नहीं तो मार्केट वैल्यू देखूं क्यों? रोज डीलर आके बैठ जाए मेरे पास, सर बेचोगे क्या, बेचोगे क्या, अच्छा 2 दिलवा दूंगा, अच्छा 2.1 दिलवा दूंगा, अरे भैया करूंगा क्या मैं बेचकर? अगर मैं बेच दूंगा सर, वो एक काम करो ना, आप कहीं और बिल्डिंग ले लो, बिल्डिंग आ जाए, अरे भाई यहां नहीं बेच सकता मैं,
मेरे पास बहुत सारे 20 साल से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, बहुत सारे पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, छोटे भाई बहन आते इसलिए हैं जी बुरान गेट पर इंस्टीट्यूट है, वहां जाकर मिल लेना। ना उन्हें ठीक से शायद नाम पता होता, ना मेरा नाम, ना इंस्टीट्यूट का नाम। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं नहीं बेच सकता, तो डीलर ने आना बंद कर दिया, बिकॉज उस मार्केट वैल्यू से कोई मायने नहीं है मेरे लिए। बेटा क्लियर हो रही है बात? मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा यहां पर आपको, मैं आपको सिर्फ एक वर्ड डेप्रिसिएशन है उसके इर्द गिर्द घुमा रहा हूं, बस जस्ट टू हैव अ पिक्चर क्लियर इन माइंड कि भाई वो डेप्रिसिएशन की एंट्री तो पढ़ के ही आए हो ना, कुछ नया सीखोगे तो ज्यादा बेहतर बात है, जो कनेक्टिविटी हो फिक्स्ड एसेट से, इन्वेंटरी से, मार्केट वैल्यू से। तो यस, एक बात नहीं और सीख ली हमने, क्या बोलो बेटा? डेप्रिसिएशन विल हैव टू बी प्रोवाइडेड इवन इफ द मार्केट वैल्यू गोज अप। मार्केट वैल्यू से तो फर्क ही नहीं पड़ता भाई, कुछ भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी मार्केट वैल्यू से। बढ़ू बेटा आगे? और ठीक है जी, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन था वैसे ये कि एक एसेट की मार्केट वैल्यू बढ़ गई है, वेदर द डेप्रिसिएशन विल बी प्रोवाइडेड और विल नॉट बी प्रोवाइडेड, या अकाउंटेंट ने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया बिकॉज द मार्केट प्राइस ऑफ द एसेट हैज गॉन अप, ट्रू या फॉल्स? तो गलत किया उसने, डेप्रिसिएशन विल हैव टू बी प्रोवाइडेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट वैल्यू। बेटा ठीक है। अच्छा एक बात और, ये कुछ कुछ बातें मैं एएस से निकाल के बताता जा रहा हूं आपको अभी, ठीक है? मेरे पास दो एसेट हैं, बिल्कुल सिमिलर एसेट हैं, दो एसी हैं, ये दोनों ही ओजेन के हैं, सेम दिन खरीदे मैंने, सेम मॉडल है, सब कुछ बिल्कुल सेम है। मुझे ये बताइए क्या मैं इसे बोलते हैं सेम क्लास ऑफ एसेट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये भी एसेट है लेकिन ये अलग क्लास में चला गया, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर अलग कैटेगरी ऑफ एसेट में हो गया। चलो एक दूसरी बात शुरू, दूसरा शुरू करते हैं। ये मेरे पास प्रोजेक्टर है, ये एसी है, क्या मैं दोनों एसेट्स पर अलग अलग तरीके से तरीके कौन से मुझे नहीं पता अभी, लेकिन क्या मैं दोनों पर अलग अलग तरीके से एसेट लगा सकता हूं? हां भाई, उसका कुछ और नेचर बिहेवियर है, इसका कुछ और नेचर बिहेवियर है, यस डिफरेंट मेथड्स ऑफ, अच्छा जब मेथड्स की बात कर रहा हूं दिमाग में क्या आ रहा है? मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूं दिमाग में क्या आ रहा है? SLMWDV कुछ कुछ तो याद होगा ना, मैं बात करूंगा उसकी, लेकिन फिर भी यस डिफरेंट मेथड्स कैन बी अप्लाइड फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स। क्लियर है बात बेटा? लाइन समझ में आ रही है? डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स का मतलब है डिफरेंट तरीके की एसेट, अलग अलग तरीके की एसेट हैं, तो यस उस पर अलग अलग तरीके से डेप्रिसिएशन लग सकता है, कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अच्छा दूसरा सवाल, कैन डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन कैन बी अप्लाइड फॉर सेम क्लास ऑफ एसेट्स? ये भी एसी ओजेन का है, ये भी एसी ओजेन का है, दोनों दो दो टन के हैं, क्या दोनों पर अलग अलग तरीके से डेप्रिसिएशन लगा पाऊंगा? क्या दोनों पर अलग अलग तरीके से डेप्रिसिएशन लगा पाएंगे? नहीं लगा सकते। कैसे लगा लोगे भाई? जो इसमें घिसावट है वही इसमें घिसावट है, जो इसका पैसेज ऑफ टाइम है वही इसका पैसेज ऑफ टाइम है, जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इसके लिए हैं वही इसके लिए हैं। बोलो बेटा, सेम क्लास ऑफ एसेट्स पर अलग अलग डेप्रिसिएशन मेथड लगाने की अनुमति कैसे दे दूं मैं आपको? नहीं दे सकता। खत्म नहीं हुई बात मेरी अभी, अभी मैंने पॉज दिया है सिर्फ, समझ में आई इतनी बात कि नहीं आई? लेकिन एएस ने कहा लगा सकते हो, एएस ने कहा सर आप इन दोनों पर अलग अलग तरीके से डेप्रिसिएशन लगाना
चाहते हो लगा सकते हो, हम आपको अनुमति दे देंगे। लेकिन, लेकिन जोड़ दिया, लेकिन का मतलब क्या है? कंडीशनल यस। पहली बार तो अनकंडीशनल यस था, इस पर अलग अलग तरीके से डेप यस, कुछ मत बताओ, कुछ मत प्रूफ करो, यस। लेकिन अगर सेम क्लास ऑफ एसेट्स है तो उस केस में अलाउ कर देंगे, लेकिन सर आपको प्रूफ करना है। क्या आपको प्रूफ करना पड़ेगा? वहां लिखा हुआ है एएस में डिफरेंट मेथड्स कैन बी अप्लाइड फॉर सेम क्लास ऑफ एसेट्स इफ द मैनेजमेंट कंसिडर्स इट एप्रोप्रिएट टू डू सो। एएस ने कहा दिया सर आपको लगता है कि अलग अलग लगना चाहिए तो आप लगा लो, लेकिन बताओ लगाया क्यों, कोई जस्टिफिकेशन तो होगा। ये नहीं कहा वो मेरा मन कर रहा था, इससे मुझे बहुत प्यार है, इससे कम प्यार है, ऐसे नहीं, कोई रीजन तो होगा ना, लॉजिक है तो बता दो, मैं मान लूंगा आपकी बात। लॉजिक, हाँ लॉजिक है मेरे पास, मैं कोशिश कर रहा हूं लॉजिक बनाने की, देखो जरा समझ में आता है क्या मेरे पास। इस एग्जाम्पल पर बाद में आऊंगा, एक नया एग्जाम्पल। मेरे पास दो कार है, मेरे पास बिल्कुल सेम है, सेम मॉडल सेम टाइप। एक कार मैं यूज कर रहा हूं, बिल्कुल सेम है दोनों कार, एक कार मैं यूज कर रहा हूं घर से ऑफिस आने के लिए और ऑफिस से घर जाने के लिए, फिक्स्ड एसेट है। और एक कार मैंने टैक्सी में चला रखी है, ड्राइवर रखा हुआ है, टैक्सी की बुकिंग लेता हूं मैं और टैक्सी में कार चला देता हूं, वो भी फिक्स्ड एसेट है मेरे लिए। बोलो बेटा, दोनों सेम डेट पे परचेज की, सेम मॉडल सेम कार सेम कलर सब कुछ सेम, दोनों पर मैं अलग अलग डेप्रिसिएशन मेथड लगाना चाहता हूं, लगा सकता हूं क्या? हां मैं प्रूफ कर दूंगा भाई आराम से। बोलो बेटा, एएस तो कह रहा है लगा लो, लेकिन प्रूफ करना आपकी जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट को प्रूफ करना पड़ेगा। अलग अलग लगाया क्यों? मैं आराम से प्रूफ कर दूंगा। क्या प्रूफ करूंगा बताओ बेटा? बोलो कि भाई देखो सर, एक कार तो सिर्फ लोकल में चलती है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, रोज रोज के गज के 15-20 किलोमीटर है बस, और क्या। एक कार चल रही है टैक्सी में, हिल स्टेशन पर, रेगिस्तान में, उबड़ खाबड़ जगह और जाने कहां कहां, तो सर वो उसमें घिसावट ज्यादा है, उस पर डेप अलग। जस्टिफाई हो गया कि नहीं हुआ? बोलो बेटा, क्लियर है बात? तो दोनों पर अलग अलग तरीके से डेप्रिसिएशन लग सकता है, लेकिन मैनेजमेंट को प्रूफ करना पड़ेगा। क्लियर है बात? ऐसे मैंने इसकी दलील दी, मैंने कहा जी इन दोनों पर अलग अलग डेप लगाना चाहता हूं। बोला क्यों? बोला जी ये एसी कम चलता है, फैकल्टी के सिर पर है, फैकल्टी की तबीयत खराब रहती है, वो जो है कम बोलता है, वो फैकल्टी बोलती है कम चलाया करो एसी मेरे सिर पर, दिक्कत आती है मुझे, तो इसलिए इस पर कम लगाऊंगा डेप, इस पर ज्यादा लगाऊंगा। बोलो बेटा क्या कहेगा एएस? एएस बोलेगा फैकल्टी को दवाई दिलवाओ। ये कोई दलील थोड़ा ना, फर्जी बात है। तो बोलो बेटा, बेटा बेटा बोलो क्लियर है कि नहीं है? खैर बहरहाल, तो डिफरेंट क्लास पर भी डिफरेंट मेथड से डेप्रिसिएशन लग सकता है इफ द मैनेजमेंट कंसिडर्स इट एप्रोप्रिएट टू डू सो। चलो जी आगे बढ़ते हैं। और ये सब लिखा हुआ मैं पढ़वा दूंगा आपको ही बाद में। अच्छा एक बात बताइए, मैंने जो है रेंट पे किया, ₹90,000 पूरे साल का, ट्रांसफर टू पीएनएल, ठीक बेटा? बोलो 15 कितना बेटा महीने का? 12 7,500 रुपये, ₹7,500 पर मंथ का रेंट पे करते थे और पूरे साल का रेंट मैंने ट्रांसफर कर दिया पीएनएल में। जो रेंट पे किया खर्चा था पूरे साल का, ट्रांसफर टू पीएनएल। अब मैंने क्या किया, एक फिक्स्ड एसेट, एक मशीनरी परचेज की। जब मशीनरी परचेज की ₹1,50,000 की, तो उसको भी ट्रांसफर कर दिया मैंने पीएनएल में। पेमेंट है, खर्चा हो गया ₹1,50,000 का, ट्रांसफर टू पीएनएल, ठीक किया, कोई दिक्कत तो नहीं है?
ठीक किया ना? अरे बोलो भाई, क्यों नाम डुबो रहे हो अपने टीचर्स का? ये ठीक किया मैंने? कर सकते हैं क्या मशीन पीएल में ट्रांसफर? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो क्या है? तो क्या हुआ? क्यों जाएगा बैलेंस शीट में? अरे बोलो ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्यों है? मुझे बताओ ना, पक्षपात क्यों कर रहे हो आप? हाँ हाँ, ये कह सकते हो, ये कुछ जमती है बात। रेंट जो आपने पे किया, इसका बेनिफिट सिर्फ इस साल तक सीमित रहेगा, बोलो हाँ? क्या इसका बेनिफिट, आपने जो रेंट दिया, क्या अगले साल भी लैंडलॉर्ड आपको रुकने की परमिशन दे देगा अपने घर में या बिल्डिंग में? इसका बेनिफिट सिर्फ करंट ईयर तक सीमित था, इसलिए हमने करंट ईयर में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन लेकिन ये जो मशीनरी है, इसका बेनिफिट तो आने वाले ईयर्स में भी मिलने वाला है, बोलो हाँ? इसका बेनिफिट, क्योंकि इसकी लाइफ है, मान लेते हैं 10 ईयर्स, मान लेते हैं 10 ईयर्स, तो इससे होने वाले बेनिफिट 10 साल तक मिलेंगे। पूरा खर्चा आज ही पीएनएल में डाल देना ठीक ना होगा, क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है मुझे? मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि इनकम एंड एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड। ऐसा ना हो खर्चा आपने आज कर दिया, पीएनएल में डाल दिया, और उससे बेनिफिट 5 साल तक होने वाला है, ऐसे मत करो ना। देखो इस साल के पीएनएल पे कितना बर्डन आ जाएगा, जबकि बेनिफिट उसका मिलने वाला है 5 साल 10 साल तक। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट यही कहता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट यही कहता है। खैर, तो मुझे क्या करना चाहिए फिर ये बताओ, मुझे क्या करना चाहिए ये बताओ। सर देखो, इसका बेनिफिट 10 साल तक मिलने वाला है, हाँ बोलो? तो सर ये जो खर्चा है 5 रुपये, ये जो खर्चा है मशीनरी के नाम का, इसका बेनिफिट क्योंकि 10 साल तक मिलेगा, तो ये पूरे 1.5 लाख एक साथ पीएनएल में डालना ठीक ना होगा, इसे क्या करें? जल्दी बोलो क्या करें? 10 साल तक के पीएनएल में धीरे 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 धीरे, बोलो बेटा धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे से मतलब ये कौन से साल का हो गया? 4th, एंड सो ऑन। 10 साल तक के पीएनएल में धीरे धीरे मशीन के अमाउंट को डालना चाहिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट यही तो बोल रहा है, बोलो बेटा। वो भूल जाओ अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट और फलाना ढिकाना, मैं सिंपल बात कर रहा हूं, वो बना कहां से है मैं वहां से उठा के ला रहा हूं आपको, क्लियर है बात? सुनो ध्यान से, अब ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लॉजिकली जब 1.5 लाख का बेनिफिट मिलने वाला है 10 साल तक, तो 1.5 लाख को धीरे धीरे ही 10 साल का खर्चा हमें मानना चाहिए, बोलो हाँ? यानी कि आपने क्या किया, ये क्या है, ये 1.5 लाख रुपया अब पूरा एक साथ यहां पर ना आएगा, ये क्योंकि जो खर्चा आपने 1.5 लाख का किया, ये 10 साल तक बेनिफिट पहुंचाएगा, 10 साल के पीएनएल में धीरे 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 जाएगा। और एक काम करते हैं, एक नाम रख लेते हैं इसका, एक नाम रख लेते हैं जिससे समझ में आ जाए। अब ये समझ नहीं आ रहा मुझे यहां पर कि ये क्या हो रहा है, तो एक काम करते, एक नाम रखा मैंने इसका, क्या जानते हो? इसका नाम रखा मैंने डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो डेप्रिसिएशन की एक और डेफिनेशन तैयार हो गई, क्या डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन इज द एलोकेशन, बांटना, किसको बांटना? एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कितनी? अरे बोलो 1.5 लाख, कितने साल में? ओवर द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, बेटा समझ में आ रहा है? yes,
डेप्रीसिएशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज द एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। भाई 1.5 लाख रुपए की एसेट है तो इसे धीरे 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 इसे धीरे धीरे कुछ यहां डालो, कुछ यहां, कुछ यहां, कुछ यहां, कुछ यहां, 10 साल में धीरे धीरे एलोकेट कर दो। सर कितना कितना करें हर साल, वो भी डिस्कशन का मुद्दा है। हो सकता है कम ज्यादा करें, बराबर करें, किसी और तरीके से करें, वो एक मुद्दा है। लेकिन 1.5 लाख को मैं 10 साल में बांट कर दिखाने वाला हूं बेटा, क्लियर है बात। और ये जो बंटवारा आपने किया इसका नाम क्या है, डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन की एक डेफिनेशन और आ गई, क्या? डेप्रीसिएशन इज द एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। अगर इसकी लाइफ 5 साल होती तो डेप कितने साल तक लगाते? अरे एलोकेशन 5 ही साल तो करोगे, बोलो। जब लाइफ 5 साल है तो बेनिफिट भी 5 साल मिलेगा, खर्चा भी 5 साल में ही जाएगा। बेटा क्लियर है? वैसे डेप्रिसिएशन पढ़ा हुआ है आपने, मैं तो बस थोड़े थोड़े फ्लेवर डाल रहा हूं उसमें डिटेलिंग के साथ, ठीक। जो आपको बस ऊपर से पता होता था कई बार कि कैपिटल है इसलिए डालेंगे, अरे नहीं भाई, ये है इसका बेस, तो वो अलग बात है, मॉडिफाई कर करके इसको नई चीज बना। चलिए खैर बेटा, आई होप ठीक है इतनी बात भी। तो एक बात तो क्लियर है, 1 लाख की एसेट है, लाइफ उसकी 5 साल है, तो 5 साल में ये एलोकेट हो जाएगी और उस एलोकेशन को 5 साल के पीएनएल में जाएगी, और उस पीएनएल में जो अमाउंट जाएगा उसे कहेंगे क्या कहेंगे, बोलो बेटा, डेप्रीसिएशन। अब बात आती है कितना कितना जाएगा, कितना कितना जाए हर साल में, कितना कितना जाए। अच्छा इसमें एक बात और भी है, 1 लाख की एसेट है, 5 साल चलेगी और मुझे पता है 5 साल बाद जब ये बेकार हो जाएगी, जब ये बेकार हो जाएगी तो कबाड़ी को लोहे में तो बेच दोगे इसे, इसकी स्क्रैप वैल्यू इज गिवन एज 20,000। स्क्रैप समझते हैं क्या होता है, ये कबाड़ी को जो दिया, या क्या कह सकते हो उसे, रेजिडुअल वैल्यू भी कह सकते हैं। एक नाम और भी है, बताओ क्या, आप ही बता दो सर, टर्मिनल वैल्यू। क्या कह सकते हो बेटा, स्क्रैप वैल्यू कह लो, रेजिडुअल वैल्यू कह लो, टर्मिनल वैल्यू कह लो, एक ही बात है। तो 20,000 तो कबाड़ी से मिल जाएंगे, बोलो बेटा, हाँ। यानी कुल मिलाकर मशीनरी के नाम का खर्चा कितना है, 80,000 ही तो है। कॉस्ट कितनी थी, मान लेते हैं 1 लाख थी, तो 80,000 ही तो है। यानी 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 कुल मिलाकर डेप्रीसिएशन 5 साल में कितना लगेगा, बताओ बेटा कितना लगेगा, 80 लगेगा, 1 लाख लगेगा, 80,000 लगेगा। ये जो 5 साल के पीएनएल में अमाउंट जाएंगी, इन सब का टोटल कितना होगा, दिस 80,000, ये नया वर्ड जोड़ रहा हूं मैं, दिस 80,000, इसको आज के बाद हम क्या बोलेंगे, स्क्रैप वैल्यू नलायक, इसे बोलेंगे डेप्रिशिएबल अमाउंट। क्या बोलेंगे, हिंदी करो इसकी क्या मतलब है, पूरे एएस में यही वर्ड यूज किया हुआ है, डेप्रिशिएबल, कितने अमाउंट का डेप्रिसिएशन लगना है। भाई 1 लाख की एसेट थी, 20 तो बाद में बची जाएंगे, हाँ बोलो, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट वुड बी 80,000। बेटा क्लियर है, और सुन लो यहीं पर ही, 2 साल में डेप्रीसिएशन लग गया, पता नहीं कैसे 25,000, ठीक 25,000 डेप लग गया, बैलेंस कितना बचा हुआ है, बोलो, 80 में से 25 का डेप लग गया, कितना बचा हुआ है, ये बैलेंस डेप्रीशिएबल अमाउंट है 55,000। बेटा ठीक है, ये कुल मिलाकर 80 का डेप लगना था, 25 का लगा चुके हैं 2 साल में,
55,000 का डेप्रिशिएबल अमाउंट बचा हुआ है। मैं वर्ड बार बार यूज करूंगा इसलिए बता रहा हूं, ये जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है इसमें से जितना डेप लग गया इसे तो कहेंगे अमोर्टाइज्ड डेप्रिशिएबल अमाउंट। बेटा बताओ इसकी हिंदी करके क्या लिखा हुआ है, ये कितना डेप लगना था डेप्रिशिएबल, उसमें से कितना अमोर्टाइज्ड यानी राइट ऑफ हो गया, इसका नाम बताओ क्या होगा, इसका नाम तो बता दो अब। हां इसे बुलाएंगे बेटा क्या, अनअमोर्टाइज्ड डेप्रिशिएबल अमाउंट। बेटा क्लियर है बात के नहीं है, दैट्स इट, अनअमोर्टाइज्ड डेप्रिशिएबल अमाउंट। आई होप ठीक है बात बेटा ये, अनअमोर्टाइज्ड डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिशिएबल ये नई बात सिखाई है मैंने आपको, ये वर्ड पहले नहीं पढ़े हुए आपने, लेकिन मैं यही वर्ड्स का इस्तेमाल करूंगा अब। ये वर्ड्स वो हैं जो AS 10 से लिए हैं मैंने, ठीक, AS 10 में यही बोला हुआ है डेप्रिशिएबल अमाउंट, अमोर्टाइज डेप्रिशिएबल अमाउंट, अनअमोर्टाइज डेप्रिशिएबल अमाउंट। आई होप यहां तक की सारी बात क्लियर है, बोलो बेटा। चलिए आज की चर्चा मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूं, बेसिक बताया मैं, थक भी गया आज। थैंक यू, बाय बाय।